दुश्मन आ रहे हैं। योग की साधना की तीर्थ क्षेत्र में गुरुद्वारे में जाकर और उनके प्राणों को और अपने गुरुदेव की सत्ता में उस आत्मसत्ता में उनका विलय, और ये भी उनकी साधना का, उनके परिवार के सभी परिजनों की साधना का परिणाम था कि जहाँ परिवार में या किसी ने किसी परिजन का जो पीछो होता है तो सब लोग एक निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन जीवन की नश्वरता को समझते हुए उनके परिवारजनों ने न केवल अपने आप को संभाला बल्कि समाज के इनके सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जो गुरु का कार्य था उसको नहीं रुकने दिया, उसको उसी अनवरत गति से चलाए रखा और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया समाज में सबके सामने कि ये भी किया जा सकता है। गायत्री परिवार की जो छवि है वो केवल यज्ञ और कर्मकांड तक नहीं है, हम लोग समाज की दिशाधारा बदलने वाले लोग, हम लोग क्रांतिकारी लोग, हम युग निर्माणी सृजन सेनानी हैं। परम पूज्य गुरुदेव का जो युग निर्माण का जो संकल्प है उस संकल्प में हम लोग सृजन सेनानी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, और उसी क्रम में हमारी बहन संध्या जी ने ये निर्णय लिया और उनके पुत्र अंकित ने इसमें उनका और परिवार के सभी जन, उनके पिताजी, उनके भाई, उनके काका, सारे लोग उनके गांव से आए, सब ने इसको खुशी खुशी सराहा। उनके भाई किशोर जी के मित्र और उनके सहयोगी, उनके पड़ोसी रहे श्री धर्मेंद्र जी सोलंकी, उन्होंने सारी योजनाएं बनाई, सब कुछ किया, यहाँ आकर शक्तिपीठ पे बात करी हमारे भाई संजय जी भाई जी से, उनसे और योजना बताई और इसको एक उन्होंने मूर्त रूप दिया। पिछले वर्ष भी जब उनका देहांत हुआ था तो उनकी 13वीं पर उनके गांव में उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, मतलब तभी से उनके दिमाग में ये था कि हमें वो करना है जिससे समाज को प्रेरणा मिलती है, हम लोग समाज को दिशा देने वाले, समाज को प्रेरणा देने वाले, प्रगतिशील कार्य करने वाले।